ओम बिड़ला दोबारा स्पीकर बनाए जा सकते हैं, एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के प्रत्याशी हो सकते हैं ओम बिड़ला। स्पीकर को लेकर के आम राय बनाने की कोशिश लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहयोगी दलों से संदर्भ में बात की है। किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से बात की, आम सहमति बनाने की अंतिम कोशिशें जारी हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये कि किरेन रिजिजू सबको आम सहमति के जरिए कन्विंस कर सकें, ये जानकारी सामने आ रही है। किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की है। कोशिश ये कि स्पीकर को लेकर के जिस भी कैंडिडेट का चयन किया जाए, आम सहमति बनाने की कोशिशें इस संदर्भ में हों। तो ओम बिड़ला को दोबारा से स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, एनडीए की तरफ से वो स्पीकर पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। स्पीकर को लेकर के आम राय बनाने की कोशिशें जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं, उन्होंने सहयोगी दलों से बातचीत की भी है। इधर किरेन रिजिजू विपक्षी नेताओं से बात कर आम सहमति बनाने की अंतिम कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। तो ओम बिड़ला वो चेहरा जिन्हें पहले भी हमने इस रोल में देखा है, खबर यह आ रही है कि एक बार फिर से एनडीए की तरफ से ओम बिड़ला स्पीकर पद की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, एनडीए के कैंडिडेट होंगे और उनका फिर ऐसे में स्पीकर बनना तय भी है, तो उन्हें दोबारा से हम स्पीकर के रूप में देख सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। औपचारिक ऐलान के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, 12 बजते नॉमिनेशन दाखिल करना है, तो इससे पहले ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच विपक्षी दलों से भी सहयोग मिले, इस नाम को लेकर आम सहमति हो, इसकी कोशिश किरेन रिजिजू करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी इस संदर्भ में की है।